अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है सक्सेसफुल ग्रेजुएट यूट्यूब चैनल पर। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ये आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है, इसको प्रेस करें, बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। मुझे पता है आप लोग सारे जो अपनी तैयारी छोड़ के ये इंतज़ार कर रहे हो कि पेपर्स कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने पेपरों की तैयारी करें। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पेपर पोस्टपोन किए जाएं। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि मैंने आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन दिखाना था। ये देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी को अगर आप ईमेल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि एग्ज़ाम्स के मुतालिक, तो वो सबका जो वो रिप्लाई आ रहा है, एग्ज़ाम विल बी डन एज़ पर डेट शीट। आपकी डेट शीट के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो आपकी डेट शीट आ चुकी है पार्ट वन पार्ट टू की, उसके अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो आप लोग बगैर टाइम वेस्ट किए, बगैर इंतज़ार किए अपनी अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें, ना के दूसरी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, जब पोस्टपोन होने होंगे तो हो जाएंगे, इसमें मसला क्या है? मतलब कि मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप तैयारी क्यों छोड़ देते हो, कि तैयारी छोड़ के बैठ जाते हो ये इंतज़ार करने के लिए एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। आप अपनी तैयारी पे फोकस करो, हो जाएंगे तो फिर भी ठीक है, ना होंगे फिर भी ठीक है, ठीक है। तो ऐसे जो है ना, आप अपने आप को परेशान खुद करते हो। आप कहते हो कि यूट्यूब वाले आपको परेशान करते हैं, या दूसरे बच्चे परेशान करते हैं, टीचर परेशान करते हैं, बेसिकली परेशान आप लोग खुद होते हो। देखिए, एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हों या ना हों वो तो एक अलहदा बात है, लेकिन आप तैयारी क्यों छोड़ते हो? मुझे तो ये नहीं समझ आती कि आप तैयारी छोड़ के ये इंतज़ार कर रहे हो कि एग्ज़ाम्स अगर नहीं पोस्टपोन होंगे फिर हम बुक्स पढ़ेंगे, तो इस चीज़ का फ़ायदा आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये बेसिकली मैंने यही आपको दिखाना था कि यूनिवर्सिटी को आप खुद भी ईमेल कर सकती हैं। अगर आपको उनको ईमेल करेंगे तो आपके से वो रिप्लाई दे रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम जो है वो डेट शीट के अकॉर्डिंग होंगे, मतलब कि आपके एग्ज़ाम्स पोस्टपोन नहीं किए जाएंगे। तो इसलिए आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस करो, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करो, ना कि ये इंतज़ार करो कि पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे। मुझे पता है ये दो तीन दिन से यही मसला चल रहा है, अपनी तैयारी छोड़ के बैठे हुए हैं आप लोग। तो मैंने हर वीडियो के अंदर आपके साथ बात करता हूँ कि आप तैयारी ना छोड़ें प्लीज़, ठीक है। एग्ज़ाम्स के मतलब जो भी, ये सिचुएशन ही ऐसी है कि इस सिचुएशन में जो है ना, वो इम्तहान की डेट पोस्टपोन करना या रखना, ये बहुत एक क्रिटिकल इशू है। ये आप लोगों को लगता है कि इजी है, लेकिन ये बहुत एक मुश्किल प्रोसेस है। आपको पता है कि कुछ बच्चे जो है वो एग्री हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, लेकिन मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जो कि दो तीन साल से चार साल से बीए में लटके हुए हैं। तो इसलिए ना, आप सबका सोचा करें, आप सिर्फ अपना ना सोचा करें, हर चीज़ को लिहाज से, हर चीज़ को देख के आप जो सोचा करें कि क्या एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआओं में याद रखिएगा, और अपने आप को जो है वो प्लीज़ इस कश्मकश से निकाल दीजिए कि पेपर होंगे या नहीं होंगे। आप अपनी तैयारी पे फोकस करें, और ये ईमेल जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से रिप्लाई आया है कि एग्ज़ाम जो है वो आपके डेट शीट के अकॉर्डिंग होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।